एक्चुअली हम लोग जो यहाँ पे वर्कशॉप कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पे नाटक करने के लिए, मंचन करने के लिए लड़के, बहुत ज़्यादा लड़के आते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से। आते हैं लोग, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हम लोगों ने सोचा कि एक वर्कशॉप करें जिससे बच्चों को एक अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका भी मिले, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और बहुत सारे हम लोग जो है यहाँ पे जो हमारे साथ लोग जो एसोसिएटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग एसोसिएटेड हैं, जो थिएटर के दिग्गज लोग हैं, उनके साथ उनको कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस उनके साथ बहुत सारे वो लोगों को रिकमेंड करेंगे, रिकमेंडेशन मिलेगा, जहाँ पर जाकर के वो अपने आप को दिखा भी पाएंगे। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, लड़के जो अच्छे एक्टर हैं वो आगे जाएं। बाकी रोजा जी हमारे साथ हैं, जो बहुत सारी चीज़ें शायद इनको बेटर मालूम है कि क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे टीम की एक बहुत ही सक्रिय मेंबर हैं ये। जी मैम, आप पंचम और उनके साथ कैसे जुड़े हुए हो और क्या? पहले तो नमस्कार आप लोगों को, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पंचम रंग से तो मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, हम लोग थिएटर बहुत कम समय मिलता है सिनेमा से करते रहते हैं। और आलोक भैया हैं, मेरे ख्याल से हमारी पंचम रंग कितनी पुरानी है भैया? पंचम रंग तो हमारी बहुत कम से कम 15 साल पुरानी है। हाँ, 1997 की हो गई। जो मनोज सिंह टाइगर जी ने शुरू किया, बहुत लोग इससे जुड़े हैं, बहुत लोगों ने इस संस्था से अपने आप को प्रूफ किया है, सीखने के बाद किया है। मैं भी जुड़ी हुई हूँ। तो जैसा भैया ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस इसलिए या वर्कशॉप इसलिए रखी गई है क्योंकि कुछ बच्चे आए और सीखें। तो होता क्या है कि बहुत जगह से बच्चे आ जाते हैं और सिनेमा के लिए, और उनको पता नहीं होता है कि थिएटर कितनी इम्पॉर्टेंट होती है उनके लिए, उनकी एक्टिंग को सीखने के लिए उनके लिए कितनी ज़रूरत होती है। और फिर मुंबई जैसे शहर में उनको थिएटर करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ बहुत जगह पे पेड होता है, बहुत जगह पे जगहों का बहुत प्रॉब्लम होता है ना भैया। तो ये मनोज जी ने या आलोक भैया ने ये सोचा है कि एक वर्कशॉप हो यहाँ पे और वो बच्चे हमसे जुड़ पाए जो सिनेमा के लिए यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो उनको पता ही नहीं है कि उनमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। वो इस हमारे वर्कशॉप में उनको बताया जाएगा कि वो किस तरह से अपने आप को पॉलिश करें और अच्छा अभिनय कर सकें। तो बहुत छोटे से समय की वर्कशॉप अभी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की है और इसका बहुत अच्छा अगर रिजल्ट आया तो इंशाल्लाह हम लोग इसको लगातार इसको हम लोग करते रहेंगे, बहुत बड़े रूप में करने का हम लोग। और उसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे संजीव कुशवाहा जी का है। संजीव जी सिनेमा बना रहे हैं, हम लोग भी सिनेमा बनाते रहते हैं। ये भी रीज़न है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्टर ढूंढते हैं तो इतना समय नहीं होता कि अचानक आपको, अगर हमारे थिएटर से जुड़े हुए बच्चे हैं हम उनको ही लेकर के कुछ चीज़ें हम प्लान कर सकें। जैसे वेब सीरीज का हम लोग प्लान कर रहे हैं, सिनेमा हम कर ही रहे हैं हम लोग, तो यही बच्चे हमारे साथ आगे और सिनेमा भी हमें हमारे साथ काम करें और थिएटर अच्छे से करें। तो जितने लोग हैं वो लोग आएँ हमारे साथ आकर के जुड़ के हमारे साथ थिएटर करें, हमारे साथ वर्कशॉप करें। और मनोज जी से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमने तो बहुत कुछ सीखा है, थोड़ा सा बहुत डांटते हैं बच्चों से ही कहूँगी, तो बिल्कुल डांट सुनने के लिए तैयार रहना आप लोग। और लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, थिएटर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए, आप लोग सीखिए, बहुत ज़रूरी है सीखना। क्योंकि जिस तरह से आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसका एक सिस्टम है कि आप एजुकेशन से होकर के यहाँ तक पहुँचते हैं, इसी तरह से अभिनय एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक चीज़ों से गुजर करके आना होता है, सीख करके आना होता है। तो ये एक कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। और हम लोगों का एक प्लान भी है कि हम लोग जो ये वर्कशॉप रखे हैं उसमें जो हमारा और संजीव जी का एक्चुअली ये एक जॉइंट प्लान है कि जो लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे इसमें से, जो हमारे जितने टीचर हैं यहाँ पे, जो भाई साहब हमारे हैं टाइगर साहब, ये लोग जिसको सेलेक्ट करेंगे जो अच्छा उसमें टॉप होगा, हम लोग कुछ वेब सीरीज़ प्लान कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म प्लान कर रहे हैं, अगर जो उसमें होगा तो हम लोग उनको लेकर के एक अच्छा वेब सीरीज़ भी बनाएंगे, एक उनको अच्छा उनकी स्टोरी अच्छी बनेगी, तो जो अच्छा होगा उसको हम लोग ये भी लेकर प्लान कर रहे हैं। बाकी अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, थोड़ा संजीव जी में कुछ प्लान है तो ये संजीव जी बताएंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मैं संजीव कुमार कुशवाहा, वी क्लासिक मूवीज प्रोडक्शन और पंचम रंग दोनों मिल करके इस वर्कशॉप को भी स्टार्ट किया गया, शुरुआत किया गया। ये पंचम रंग तो बहुत पहले से करता चला आ रहा है, सभी लोगों को बेहतर
मौका दिया, बेहतर सिखाने का मौका दिया। मैं अभी नया नया इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जुड़ने से मुझे ये पता चला, अभी मैंने एक फिल्म किया लागल हुआ बतासा, तो उसमें लोगों के काम करने से मुझे ये चीज़ लगा कि अगर जो एक्टिंग करनी है, अभिनय करनी है, तो हर समय समय पर वर्कशॉप होना ज़रूरी है एक्टिंग को परफेक्ट बनाने के लिए। और मुझे ऐसा लगा कि अगर साथ में मिलकर वर्कशॉप और फिल्म दोनों एक साथ प्लान किया जाए, तो जो लड़के यहाँ से सीखेंगे उनको ही मैं प्लेटफॉर्म दूंगा अपने जगह पे, और उनको बेहतर तरीके से आने वाले भविष्य में, अभी आपका मूवी हो गया, वेब सीरीज हो गया, शॉर्ट फिल्में हो गई, ये रेगुलर चलता रहेगा हम लोगों का, और इन लोगों को कहीं दूसरे जगह प्लेटफॉर्म खोजने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इन लोगों ने बेहतर वर्क किया, इस वर्कशॉप में आते रहे, रेगुलर वर्कशॉप चलता रहेगा, अगर बेहतर 5 दिन का जो वर्कशॉप रखा गया है, ये अगर कंटिन्यू इनमें सभी लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया, तो ये रेगुलर चलता रहेगा, हम लोग का ये हमेशा करते रहेंगे। और जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो कैसे आप तक पहुँचे? देखिए, पहली बात तो ये है कि वर्कशॉप हम हमेशा करते आए हैं, मुंबई में पहली बार कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ भी किया है लेकिन फ्री में पहली बार मुंबई में कर रहा हूँ। अच्छा। इसके पहले जब भी वर्कशॉप किया है पैसा लिया है, पहली बार फ्री में कर रहा हूँ। हालांकि हमारे पास बहुत लोगों का ईमेल आया, बहुत लोगों का फ़ोन आया, लेकिन हम उसमें से कुछ ही लोगों को बुलाए, ज़्यादा लोगों को हमने बुलाया नहीं। वर्कशॉप यहीं पे होगा, कल से होगा, और वर्कशॉप करने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि हम जो कुछ भी हैं थिएटर की वजह से हैं, 1997 से मेरे ख्याल से प्ले कर रहा हूँ और कंटिन्यू करता आया। बहुत सारे एक्टर हैं ना, बड़े अच्छे अभिनेता हैं, उनको एक तो सही दिशा नहीं मिल पा रही है, सब थिएटर नहीं कर सकते हैं बेचारे, सब NSD नहीं जा सकते हैं, सब बड़े बड़े एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, उसमें पैसे नहीं हैं उनके पास। मुझे खुद याद है कि जब मैं नया नया आया था उस वक्त कुछ 7,500 रुपये फीस था एक जुट का वर्कशॉप का, नादिरा ज़हीर बब्बर का, मेरे पास वो 7,500 रुपये हुए नहीं। दूसरे साल मेरे पास जब 7,500 हो गए तब उसका फीस 10,000 हो गया। मेरे पास हर साल पैसे होते गए और फीस बढ़ता गया, और मैं इस जन्म में उनके यहाँ वर्कशॉप नहीं कर पाया। कभी कभी मन में आता था कि जाऊँ एक बार कह दूँ कि सर मेरे अंदर टैलेंट है, मेरा 2,500 कम ही ले लीजिए, हो सकता है मैं जाता ना तो मेरा वो लोग कम भी कर देते, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। तो मेरे मन में एक टीस होता था कि जो नए नए कलाकार आते हैं, बहुत सारे एक्टर आते हैं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे जो धांधली हो रही है वहाँ पर ले जाते हैं, सब पैसा दे के आ जाते हैं, और फिर उनके पास आते हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे परफॉर्मर की बात कर रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो टेलीविज़न में काम कर रहे हैं अभी, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आए और मेरे साथ थिएटर किया उन्होंने। मैं और NSD पास आउट हैं राकेश चतुर्वेदी और आयशा जुल्का, अविनाश बधावन, हम सब लोगों ने साथ में प्ले किया, खूब प्ले किया। कृष्णा भी आता था, गोविंदा जी का भांजा, दिव्या द्विवेदी, हम लोग बहुत सारा प्ले, ये बात मैं बता रहा हूँ 2001 की, जब किसी के पास काम नहीं था हम सब लोगों के पास। तो उस दौर में मैं बहुत सारे ऐसे अभिनेताओं को देखता था जो बहुत पैसे वाले घराने से थे, और वो लोग आते थे और यहाँ पर 2-3 लाख एक्टिंग इंस्टीट्यूट में देने के बाद भी उनसे मैं पूछता था रस कितने प्रकार के होते हैं और इसके भाव विभाव क्या होते हैं, स्थायी भाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, तो मेरा मुंह देखते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि फिर उन्होंने सीखा क्या। एक्टिंग में जब भी उनको बोलिए, कोई डायलॉग बोलिए, तो जो जिसका फॉलोअर होता था, जो शाहरुख खान का फ़ैन था, वो शाहरुख के अंदाज में बोलता था। किसी ने मुझसे पूछा कि एक्टिंग की परिभाषा क्या होती है, हर बड़े बड़े विद्वानों ने एक्टिंग की परिभाषा अपने अपने तरीके से दिए, लेकिन जब मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि एक्टिंग की कोई परिभाषा ही नहीं होती है। एक्टिंग को क्या, कौन सी परिभाषा दूँ मैं? आप अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं एक्टिंग ही करते हैं, नौकर आपके पास आता है कहता है साहब दूध गिर गया, वो भी सारे लोग एक्टिंग करते हैं, लेट हो गए आप हॉस्पिटल में पहुँचते, बोलते सर कहाँ थे, वो सर क्या हुआ मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, सब झूठ बोल रहे हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं रियल लाइफ में, दुनिया में हर प्लेटफॉर्म पे सब, आप भी जो बोलते हैं तो मनोज जी बताइए अब आप, ये भी एक्टिंग ही है, सारे लोग अभिनय कर रहे हैं, कई बार जानबूझकर करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं। तो जब हमसे पूछा जाए एज एन एक्टर, तो मैं आप ही लोगों की नकल करता हूँ जो समाज में घूम रहे हैं, शराबी, गजेड़ी,
अच्छे लोग, वक्ता आसाराम बापू, ठीक है, बहुत सारे करेक्टर हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, उठा लीजिए उसी में से एक, कौन सा करेक्टर करना है उठा लीजिए उसमें से, उसी में से एक उठा लीजिए, आप जीवंत कर देंगे उसको। तो अभिनय जो आपने कर दिया, बच्चन साहब ने जो कर दिया उनकी एक्टिंग थी, आप जो कर दीजिए, नसीर साहब ने जो कर दिया उनका था, नवाजुद्दीन ने जो किया वो अलग ही कर दिया, जो कर दीजिए वो आपके हिस्से का एक्टिंग है, वही परिभाषा हो गई, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनमें आग है, फायर है, हम लोग जिस मुसीबत से गुजरे हैं अगर हम उनकी थोड़ी हेल्प करेंगे तो हमें भी, हमारी भी एक्टिंग को थोड़ी सी जो भूख है उसे भोजन मिलेगा, उनको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, उनके साथ हम कुछ प्लेस कर लेंगे, हम कुछ एक्टरों को और ईजाद करेंगे। तो हमारे पंचम रंग का जो उद्देश्य है सिर्फ यही है कि नए नए लड़कों को थोड़ा सा सीखने को मिले, उन लड़कों को जो वाकई जेन्युइन है, जिनमें टैलेंट है, जो सीखना चाहते हैं, जिनमें दम है छुपा हुआ है। ऐसे में हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग संजीव कुशवाहा जी, जो वी क्लासिक के मालिक हैं, CMD हैं, उन्होंने अभी मुझे हीरो लेकर के एक फिल्म प्लान किया। देखिए, हमने भोजपुरी में ऐसा प्लान किया कि महमूद साहब हीरो बनकर आते थे, तो क्या एक ऐसी फिल्म हम बना सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट हीरो हो। हम लोगों ने एक फिल्म बनाया जैसे लगे रहो मुन्ना भाई, तो हमने भोजपुरी बनाया लागल रहा बतासा, बिल्कुल साफ़ सुथरी फिल्म है, आलोक सिंह को हमने डायरेक्टर लिया। तो वी क्लासिक जो है प्रमोट कर रही है मुझे, हमारी संस्था को, उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन लड़कों में से कुछ लोग अच्छे निकले तो इनको लोग वेब सीरीज करेंगे, सिनेमा में भी कास्ट करेंगे, देखते हैं बच्चों में कितना दम है, पहले तो इन लोगों को लेके प्ले करें। हमारी टीम जो है हमारे साथ रही, जैसे ये हैं विनोद मिश्रा जी, बहुत पुराने रंगकर्मी हैं, इफ्टा के साथ उन्होंने बहुत सारे प्लेस किया, भोजपुरी में एक इनकी जगह है, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया तो मुझे लगता है हर तीसरे एपिसोड में रहते हैं, कुछ लोगों ने तो इनको कहने ये भी कहना शुरू कर दिया कि क्राइम पेट्रोल और सावधान के दामाद हैं बिना इनके कहानी पूरी नहीं होती। ये पप्पू यादव जी हैं, अभिनेता हैं, अभी इनकी बड़ी फिल्म आ रही सनकी दरोगा, ये भी रंगकर्मी हैं और तन मन धन से हमारे साथ लगे रहते हैं, कला प्रेमी हैं। मैं चाहूँगा कि अपनी बात को यही ख़त्म करते हुए कि ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, करने में मज़ा आता है, टैलेंट घूम रहे हैं, मैं जहाँ था पहले आज वहाँ कोई और लड़का है, मुझे भी किसी ने प्रमोट किया था, आयशा जुल्का ने मुझे एक थिएटर में देखा था, नाटक में अनएक्सपेक्टेड अचानक आ गई थी प्ले देखने, दूसरे दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर बुला लिया, प्रोड्यूस किया, मेरे थिएटर ग्रुप को इस्टेब्लिश किया, देखते ही देखते मेरे थिएटर ग्रुप को इस्टेब्लिश कर दिया, तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया, मनोज ओझा जी ने। तो मैं भी, मेरा भी फर्ज होता है कि जो जनरेशन आ रही है उसमें बहुत सारे लड़के हैं जो उनके पास धन नहीं है, सुविधाएं भी नहीं हैं, तो मैं इस वर्कशॉप के माध्यम से शायद उनकी काबिलियत को पहचान पाऊँ, तो हम सब लोग मिल करके कुछ अच्छा करेंगे, बाकी तो उसकी मेहनत, उसका लक। जो 5 मिनट की वर्कशॉप होगी, इसमें जो नए कलाकार होंगे, जो न्यू टैलेंट होगा, जो फ्रेश टैलेंट होगा, उसका मार्गदर्शन कौन कौन लोग करेंगे? हाँ देखिए, इसमें काफ़ी टीचर हैं, पार्थ सारथी जी हैं, FTII से हैं, वो थिएटर ट्रेनर हैं, रंगमंच और सिनेमा दोनों की समझ है उनको। इसके अलावा सरिता जी हैं, संगीता जी हैं, सरिता जी हैं, जो जाकिर हुसैन जो सिनेमा हिंदी फिल्मों के बड़े अभिनेता हैं, सरकार में मेन विलन थे, जो पहली वाली सरकार में बहुत सारी फिल्में वो कर रहे हैं, वो NHD पास आउट हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो सरिता जी आएंगे। पंकज त्रिपाठी जी से बात हुई है, एक दिन वो भी आएंगे। इसके अलावा विनोद जी हैं, मैं हूँ, आलोक सिंह हैं, और बहुत सारे टीचर हैं जिनसे हमारी बात हुई है, तो रोज़ 2 टीचर आएंगे अलग अलग तरीके से, जिन्हें बॉडी लैंग्वेज, इम्प्रोवाइजेशन, डिक्शन, एक्सेंट, फोकस, बॉडी लैंग्वेज और कैमरा फेसिंग जो भी जितनी विधाएं होती हैं, जितना हम 5 दिन का समय होता बहुत कम है, लेकिन इन 5 दिन में जितनी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें बता सकें। अच्छा, कितने लोग लगभग, कितने स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी या कितने सीखने वाले लोग आएंगे? मान लीजिए कोई अब आना चाहे जिससे थोड़ी सी खबर लेट पहुंची हो, तो वो क्या करें? जी बिल्कुल, साक्षात्कार करेंगे और अगर लगेगा कि वो काबिल है तो उसे हम जरूर लेंगे जी। और मैं अब आपको चाहूँगा कि ये हमारे मिस्टर विनोद मिश्रा जी हैं, विनोद जी कुछ इसके बारे में बोलें, संस्था से जुड़े हुए हैं, फिर पप्पू जी।
मुझे क्या कहना है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैं शॉर्ट में ये कहूँगा कि ट्रेंड एक्टर और अनट्रेंड एक्टर में फ़र्क क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ड्राइवर अगर ट्रेंड है तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, वो अच्छा से आपको मंजिल तक पहुँचाता है। वैसे ही अंधेरे में चलना और रोशनी में चलना, बस एक रंगकर्मी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं, चाहे किसी को देख के, किसी संस्था से, किसी ग्रुप से, या करके जो भी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप चीज़ों को जान जाते हैं तो उसमें बुराई क्या है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी NSD से आए, FTI से आए। आप किसी को गुरु मानते हैं, माँ गुरु होती है, घर के जो बड़े लोगों गुरु होते हैं, बहुत सी चीज़ें। अभी मनोज हम लोग करीब 20 साल से ये सब लगे हैं, रंगकर्म में लगे हुए। मैंने देखा है कि कई जगह नसीरुद्दीन शाह ने भी कहा है कि भाई एक्टर ट्रेंड है तो कम से कम उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो बढ़ता है। काम करके भी लोग ट्रेंड हुए, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग काम कर करके भी ट्रेंड हो गए। तो इस ये संस्था और हमारी जो टीम है, इसका प्रयास ये है कि जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, जो इच्छुक हैं, जो चाहते हैं इससे अपने आप को इम्प्रोवाइज करना, तो वो आएँ, उनका स्वागत हो रहा है। हम लोग इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें लगे हैं, समय इसमें कोई आमदनी नहीं है, खर्चा ही खर्चा है, बट हम लोग फ्री में जो भी कलाकार, जो भी बच्चे अभी जस्ट जो बिगनर हैं, जो शुरू किए हैं, उनका स्वागत है। और हम लोग जो टीचर्स जो आ रहे हैं, हम भी तो सीख ही रहे हैं ना। हम लोग भी, हम ये नहीं कह सकते कि आम गुड एक्टर या आम अ ट्रेनर, हम जस्ट मैं कह सकता हूँ कि मैं भी लर्नर हूँ, रोज़ सीखना है। तो चीज़ें टास्क होंगे, टास्क पे वर्क होगा। जैसे कि भाई ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज है, डिक्शन है, कैमरा फेसिंग, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। अभी शॉर्ट में एक दिन में तो होगा नहीं, इसके अध्याय चैप्टर वाइज कराया जाएगा। जी भैया, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आप टाइगर के पास बैठ के भी मुस्कुराते रहते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज भैया, इतना बड़ा का धन्यवाद देता हूँ कि नए नए लड़कों को जो है ये हमेशा जो है लॉन्च करते रहते हैं, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भैया के माध्यम से मिल रहा है, ये बड़ी बात है। तो इसलिए मैं भैया का धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि भैया ने जो है इतना बड़ा जो है मंच और इतनी बड़ी संस्था जो है ले कर चल रहे हैं। तो भैया को ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। आलोक है, आलोक लुक सर, कौन सा लुक? चलो चलो इधर, कुछ किसी को दे दो, दे दो, दे दो, दो सर लुक इधर दीजिएगा। लड़के हमारे टीम के हैं, ये आलोक जो है सिंगर हैं और थोड़ा सरगम वगैरह की भी ट्रेनिंग देते हैं आके। एक मिनट, फोटो सेशन हो जाए, थोड़ा सा फोटो सेशन, म्यूजिकल ट्रेनिंग भी चाहिए ना थोड़ी। जी आलोक बताइए कुछ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मनोज भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मनोज भैया ने हम लोग को इस लायक समझा कि हम लोग यहाँ आए, यहाँ कुछ सीख सकें। मैंने संगीत की शिक्षा सुरेश वाडकर जी से ली है और अभी गुलाम मुस्तफा खान साहब से भी सीख रहा हूँ। अभी मेरा एक शो चल रहा था द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज, वो गाया मैंने। फिर अभी मेरी ऑलमोस्ट 12 फिल्में रिलीज हुए हैं भोजपुरी की और एक हिंदी टी सीरीज ने भी रिलीज़ किया गया। मनोज भैया ने कहा कि आलोक आर्ट की कोई भाषा नहीं है, तो गाना गाते मैंने मनोज भैया के साथ एक आधो प्ले भी की है जिसमें नेताजी बहुत बड़ा प्ले है, जिसमें मैं एक दरोगा के रोल में हूँ और मनोज भैया नेताजी हैं उसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ पहला प्ले मैंने किया और इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ किया कि जो कि एक तरह से कहा जाए कि भोजपुरी के पिलर हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सबके लिए, जितने लोग हम लोग आ रहे हैं इस संस्था में, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग आ रहे हैं इसमें और इतने बड़े विनोद जी हैं, मनोज भैया हैं, आलोक भैया हैं, संजीव जी हैं, रोजा जी हैं, हम सब लोग सीखेंगे। और हमारे अंदर जो है, जैसे मैं म्यूजिक का बंदा हूँ, तो मैं जो जैसे मनोज भैया ने बोला कि एकदम फ्री है, इसमें किसी को कोई पैसा नहीं देना है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो संगीत की शिक्षा मैंने अपने गुरुओं से ली है, जो मनोज भैया ने अपने गुरुओं से ली है, वो हमें दे रहे हैं,
मैंने तो संगीत की शिक्षा अपने गुरुओं से ली है, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि सब लोगों में बांटी जाए और कोशिश किया जाए कि ये बेहतर से बेहतर और बेहतर बनता चला जाए। बिंदास भोजपुरिया, मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि नाम इतना हिट हो जाएगा, तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू रजनीश जी, ये बहुत टैलेंटेड इंसान है। रजनीश जी हमारी कंपनी के पिलर है और हमारी कंपनी के हुआ करते थे। कंपनी बना के निकल जाया करते जी। सबसे पहले तो मनोजा का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अनूठा प्रयास है उनका कि हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ नए नए टैलेंट को अच्छे से निखारे, इसलिए उन्होंने प्रयास शुरू किया है। और मैं सुना कि फ्री में वर्कशॉप कर रहे थे और भी अच्छा लगा कि मतलब इनके अंदर दिल में कितनी जगह है इस इंडस्ट्री के प्रति कि अच्छा से अच्छा इसमें कलाकार आए, इस इंडस्ट्री का दिन प्रतिदिन उत्थान होता जाए। सर सबसे पहले तो आप बताइए ये जो पूरी आज टीम इकट्ठा हुई, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कलाकार, बहुत ही अलग अलग टैलेंट के लोग, उनके साथ एक साथ इकट्ठा होकर एक साथ एकत्रित होकर कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं तो आभारी हूँ रोजा जी का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, ऐसे मनोज सिंह टाइगर साहब से, विनोद मिश्रा जी से, रोजा जी से, अजय जी से, दीपक जी से, आलोक जी से, और ये सारे नवागत हमारे कलाकार जो कल ऊंचाई छूने वाले हैं, उनसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज बहुत ज़रूरत है फिल्मों में जो कलाकार हैं, हमारे सीरियल्स में जो कलाकार हैं, वो बनने के लिए लालायित लोग गांव से शहरों से भाग भाग के आते हैं मुंबई, लेकिन उनमें इच्छा तो होती है, कामना होती है, आकांक्षा होती है, उत्कंठा होती है, लेकिन वो करने की क्षमता नहीं होती। और जिसके लिए मैं तारीफ करूंगा मनोज जी का, जो ऐसे लोगों का जिनके पास पैसे नहीं है, इन्होंने अपना अनुभव सुनाया, जिनके पास पैसे नहीं है और वे भी यहाँ सीख सकेंगे, उनके लिए एक अच्छा वर्कशॉप भी शुरू करने जा रहे हैं। मैं एक बात कहूँगा मनोज जी और सारे लोग हैं, आज हमें देश राष्ट्र समाज सबके बारे में सोचते हुए कुछ करने की ज़रूरत है। मैं दो तीन पंक्तियाँ कहूँ, ये हमारा साहित्य ही है, कला नाटक जो भरत मुनि ने जिसको शुरू किया था, जो हम लोगों के आदि गुरु हैं, वो करने के लिए हमारे अंदर एक प्रतिभा होनी चाहिए। सृजन कर साहित्य ऐसे धर्म का, आज बहुत बड़ी ज़रूरत है, सृजन कर साहित्य ऐसे धर्म का, धर्म से न धर्म का संघर्ष हो, धर्म से न धर्म का संघर्ष हो, और सृजन कर साहित्य ऐसे कर्म का, मूल्य मानव में सदा उत्कर्ष हो। हाईनेस ऑफ ह्यूमन ह्यूमन, और सृजन कर साहित्य ऐसे मर्म का, मनोज जी जी जी, सृजन कर साहित्य ऐसे धर्म का, धर्म से न धर्म का संघर्ष हो, सृजन कर साहित्य ऐसे कर्म का, कर्म मानव मूल्य का उत्कर्ष हो, और सृजन कर साहित्य ऐसे मर्म का, फीलिंग्स सृजन कर साहित्य ऐसे मर्म का, देख आंसू दूसरों को, अपने हृदय में दर्द हो, अपने तो वो करने की जरूरत है। और एक बात और कहूँ, समय कम है, आज बहुत ज़रूरत है, हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, आप तो फिल्मों में करते हैं, आप अपने धारावाहिक में करते हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, हिंदी हो, किसी में करते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन आज क्या ज़रूरत है, आज किस बात की ज़रूरत है, वो मैं दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। आज बहुत बड़ी ज़रूरत है, आज हमें एक ईमान की ज़रूरत है, एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है जो समाज में ईमानदारी को ला सके। तो दूसरी चीज़ कि आज सबसे ज़रूरत है एक ईमान की, और हमको ज़रूरत है ऐसे समाज की जिसमें हम वैज्ञानिक उन्नत कर सकें। और दूसरी चीज़, जो भी समाज में विसंगतियाँ आई हैं, जो जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये सारी चीज़ें आई हैं, इनकी इनको निर्मूल करने के बारे में हमें सोचना चाहिए, चाहे वो अपनी कथा साहित्य के माध्यम से, अपनी कहानी के माध्यम से, और नाटकों के माध्यम से।
और सबसे जरूरी है कि हम एक इंसान पैदा करें, सबसे जरूरी है कि एक इंसान पैदा करें। इन शब्दों के साथ मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। शुक्रिया। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड था, सोशियोलॉजी में रिटायर हो गया हूँ, और बरसों से समझिए कि 1966 से मैं नाटक लिखता रहा हूँ, नाटक करता रहा हूँ, निर्देशन करता रहा हूँ, लेकिन बच्चों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच, चाहे वो प्रोग्राम अफसर के रूप में, चाहे वो एक गांव के नवजोग मंगल दल के अध्यक्ष के रूप में, बचपन से ही करता रहा हूँ। और आज़ादी के फरिश्ते, वीरों का बसंत, हाहाकार, अभिशप्त, चेतावनी, जंतर मंतर, सावधान, कर्फ्यू है, वीरों का बसंत, बहिष्कार, ढेर सारे दर्जनों नाटक मैंने किए, कराए, और पूरे यूपी में यहाँ तक इस लखनऊ साक्षरता निकेतन तक हमने उसको प्रस्तुत किया। पंचम रंग में भी आपकी जरूरत हमें पड़ेगी और आप हमें सहयोग करें, इतना आपने किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सौभाग्यशाली अपनों को मानूंगा कि मनोज जी से, आप लोगों से जुड़ के जो मेरी भावना, मेरी रचना कुंठित थी, जो कोई क्षेत्र विशेष में थी, जिसको कोई केवल तालियां बज जाती थी, बड़ी प्रसन्नता होती थी, यार क्या गजब का नाटक लिखा, क्या गजब का निर्देशन किया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का एक मौका मिला, मैं अपने पुत्र के साथ आया और आप लोगों से मिलने का अवसर रोजा जी ने दिलवा दिया। इस वर्कशॉप के जो ऑर्गेनाइजर, जो आयोजक हैं श्री मनोज टाइगर जी, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ आने का मौका दिया। और ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है सभी नवागंतुक, जो नए अभिनय की विधा में जो प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। सर के मार्गदर्शन में ये लोग बहुत कुछ सीखेंगे और मेरी शुभकामना है सभी लोगों को, सभी प्रतिभागियों को और आयोजकों दोनों लोगों को। धन्यवाद। अपना पंचरंग वर्क, पंचम रंग वर्क साफ देखा, इसमें हम लोग काम करने के बहुत इच्छुक हैं, और इसमें हम लोग को बहुत सीखने को मिलेगा, जैसे कि मनोज सर हम लोग को सिखाएंगे, पप्पू सर सिखाएंगे, और बहुत लोग सिखाएंगे हम लोग को, सीखेंगे उसके बाद आगे और अपना हुनर दिखाएंगे इसमें आके। सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सबको प्रणाम। मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और मैं भोजपुरी सिनेमा में काम करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी हम प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर के पास जाते हैं तो लोग पैसे की डिमांड करते हैं, और ये सब चीज़ें दर्द मनोज भैया को पता है, और हम लोगों के लिए कार्यक्रम रख रहे हैं और हमारे लिए सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत इनको धन्यवाद, ये भी आगे बढ़ें और इनके साथ हम लोग भी जुड़ के जो अपना सहयोग भोजपुरी सिनेमा को करें। मेरा नाम मनोज यादव है, मैं काफ़ी दिनों से एक्टिंग क्लास करने की सोच रहा था, बट मैं कहीं भी जाता था तो बहुत पैसों की डिमांड होती थी। फेसबुक के जरिए मनोज जी से बात हुई और इनकी कृपा से मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला, और काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा मुझे, और यहाँ से मुझे एक मंच मिला आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। वालों को मेरा नाम सूरज यादव है। एक्चुअली मैं भैया से मेरी इंटरेक्ट फेसबुक के माध्यम से हुई थी, और लोग कहते हैं कि फेसबुक से लोग नए नए कलाकारों को, नए टैलेंट को लोग यूज़ करते हैं एकदम फिजिकली और फाइनेंशियली, बट भैया से मिलके मुझे अच्छा लगा, भैया ने एक अपॉर्चुनिटी दी नए कलाकारों, नए टैलेंटों के लिए, और मतलब एक सोशल मीडिया में कैसा उन्होंने एक वे प्रोवाइड किया कि हर कोई एक तरह नहीं होता है, और भैया ने जो मतलब एक मिडिल फैमिली से होने के नाते कभी टैलेंट होके भी मतलब एक कुछ जरिया नहीं मिल रहा था कि एक्सप्रेस कर पाए, लेकिन भैया ने जो राह मतलब जो राह नए लोगों के लिए रखी है, चाहते कि उसमें भैया और सक्सेस जाए और नए कलाकारों, नए टैलेंटों को नया मौका मिले। थैंक यू सर। ये है, और यहाँ पर जितने भी महान शिक्षक हैं, जो ग्रेट असेंबली है यहाँ पे, अगर उनका मैं 5% भी यहाँ से ले जाऊँ, जो आई एम ब्रिटिश और मनोज सर और विनोद सर जो मुझे मुझ पर इंस्टॉल कर ही देंगे, तो मैं खुद को काबिल समझूंगा। क्या बात। सर मेरा नाम दीपक पटेल है और मैं बिहार से हूँ, गाँव का नाम रुपई टांग। भैया से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गया है, और मेरा भी सपना था कि मैं मुंबई आकर एक्टर बनूं और अच्छा बनूं, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो काफ़ी चीज़ें देखने के बाद से ऐसा लगा कि मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। काफ़ी मतलब 1 साल से भैया से कांटेक्ट किया तो कभी ये बिजी रहते थे, तो बोलते थे बेटा मैं मुंबई आके मिलता हूँ, तो अचानक भैया से सडनली मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला ठीक है मैं अपना थिएटर चलाता हूँ तो तुम उससे जुड़ो। जुड़ने के उपरांत काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला, बैक स्टेज किया काफ़ी, जैसे नेताजी बहुत बड़ा प्ले है हमारे पंचम रंग का, और मांस का रुदन, ये सब चीज़ों का मैंने बैक स्टेज करने के उपरांत बहुत चीज़ें सीखी है, और भैया से जुड़े रहने का मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ,
और आशा करता हूँ कि इनसे बहुत चीज़ें मैं सीखूँगा।